तो आज हम चैप्टर 6 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो RSCIT के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक CD या DVD एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। कि एक नॉर्मल CD या DVD की जो चलने वाली कैटेगरी होती है वो नहीं है। 630 GB चलती रहती है, 4.7 GB ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, 9.4 GB ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, पर जो डी है 13 GB कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिल सकती। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्म HDMI में HD से क्या आश्रय है। तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। कि जब आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हो तो कौन सा विकल्प नहीं आता। कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट और एक्सटेंड। कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट एंड एक्सटेंड ये तीनों कनेक्टिविटी के टाइम पे आते हैं, जबकि एक इन्वर्टेड कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के टाइम पे नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी, इन्वर्टेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, VGA केबल में कितने पिन होती है। तो VGA केबल में कितने पिन होती है, वो होती है 15 पिन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रिंटर। ईमेल से हम हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते, फैक्स से हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, पर फैक्स से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके फैक्स से हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आश्रय है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फोटो को मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ओरिजिनल फोटो को आप यूज करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से हम कर सकते हैं, पर ये एक फोटो के ऊपर ही काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा LCD प्रोजेक्टर का प्रकार है। तो हमारा LCD प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फ्लैट पैनल और लेजर ये LCD प्रोजेक्टर नहीं होते। नॉर्मल एंड रूप माउंटेड ये LCD प्रोजेक्टर होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, CD में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो CD में जब भी आप किसी फाइल को कॉपी करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्निंग बोला जाता है। उसे स्टोरेज भी नहीं बोला जा सकता, उसे कॉपी भी नहीं बोला जा सकता और पेस्टिंग भी नहीं बोला जा सकता। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बर्निंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हो। तो हम कौन से कमांड का उपयोग करते हैं, वो करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्योंकि फाइल प्रीव्यू के माध्यम से हम फाइल को देखेंगे, प्री प्रिंट के माध्यम से ऐसा कोई कमांड होता ही नहीं है। और प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा कमांड होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। तो पेन ड्राइव को हम किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबो। कि आप पेन ड्राइव को हर किसी माध्यम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC Infotech आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।